हेलो बच्चों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे गाइज हम लोग पढ़ रहे हैं एम सीईटी .E का पोस्ट और हम लोग आज लेकर आए हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स ठीक है आज हम केमिकल थर्मोडायनोमिक के सारे यू you नो know, सारा कंटेंट और उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज हम लोग ले लेंगे ठीक है बच्चों तो शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन का जहाँ पे हम लोग केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में जो थर्मोडायनेमिक्स यानी क्या इट कंसर्न विद द से एनर्जी एनर्जी चेंज इन फिजिकल एज वेल एज केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया या केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन यानी स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज हो गया ठीक है केमिकल केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन यानी रिएक्शन हो गया तो यहाँ पे एक एनर्जी चेंज होता है इन फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन या फिर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो उस पर्टिकुलर ब्रांच को बच्चों क्या कहते हैं या फिर जो स्टडी करते हैं उस चेंज इन एनर्जी की तो उसको थर्मोडायनेमिक कहते हैं थर्मोडायनेमिक में दो टर्म इंपॉर्टेंट है दोस्तों एक क्या है सिस्टम दूसरा है सराउंडिंग सिस्टम यानी

सिस्टम की पार्ट तो नहीं बट यूनिवर्स की पार्ट है समझ लो ये पेंसिल मेरे हाथ पे है तो माई हैंड इज द सराउंडिंग फॉर दिस पेंसिल बिकॉज माई हैंड इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस पेंसिल पेंसिल का तो पार्ट नहीं है बट ये पेंसिल के अराउंड में है राइट टू दैट इज कॉल्ड टू बी अ सराउंडिंग तो सिस्टम हो गया दोस्तों वट इज सराउंडिंग ये भी खत्म कर दिया हमने अब सिस्टम के टाइप से दोस्तों दैट इज ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम अब यहां पे दोस्तों ये ध्यान में रखना हमें कि ओपन सिस्टम यानी क्या ये तीनों जो पार्ट है यू कैन से ये किसके रिलेट करते हैं ये रिलेट करते हैं कि एनर्जी एक्सचेंज हो रही कि नहीं हो रही बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग सिस्टम सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है एक्सचेंज ऑफ मैटर है कि नहीं इसके ऊपर ऐसी कोई सिस्टम जो एक्सचेंज करेगी दोनों चीजें क्या एक्सचेंज करेंगी मैटर एंड एनर्जी ठीक है क्या एक्सचेंज करेगी दोस्तों मैटर एंड एनर्जी अगर एनर्जी एंड मैटर दोनों एक्सचेंज करती हैं तो उसको हम लोग कहेंगे ओपन सिस्टम यानी अगर कॉफी का मग है और हमने ओपन रख दिया उसको जहां पे वाटर वेपर भी निकल रहा है उसमें से प्लस हीट कंटेंट भी सराउंडिंग में आ रहा है तो एनर्जी एंड यू नो मैटर दोनों एक्सचेंज हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे ओपन सिस्टम उसी कॉफी मग को ऊपर हमने लीड रख दिया कुछ ढक्कन रख दिया तो सिर्फ और सिर्फ हीट ट्रांसफर होगी नॉट द मैटर तो मैटर एक्सचेंज नहीं करेगा एक्सचेंज ओनली एनर्जी ओके okay? सिर्फ क्या एक्सचेंज करेगा एनर्जी बट डू नॉट एक्सचेंज मैटर मैटर एक्सचेंज नहीं करेगा तो उसको क्लोज सिस्टम एंड वही कॉफी हमने थर्मस में रख दिया तो फिर क्या होगा दोस्तों हम लोग ना तो वहां पे यू नो चेंज ऑफ एनर्जी होगी ना तो एक्सचेंज ऑफ अ मैटर विद द सराउंडिंग तो ना इधर एक्सचेंज आइदर एनर्जी और मैटर मैटर एनर्जी कोई चेंज नहीं करेगा तो उसको हम लोग कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी के बेसिस पे है ये दोस्तों राइट ओके अब या प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम है एंड स्पेशली बच्चों ध्यान में रखना है तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल के ऊपर करना है, क्योंकि आपको शायद क्वेश्चन होगा कि आइडेंटिफाई द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द इंटेंसिव प्रॉपर्टी फ्रॉम द फॉलोइंग तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करता है डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर ठीक है किसके ऊपर डिपेंड करेगा डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ मैटर की अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन-कौन से एग्जांपल्स है तो एग्जांपल मास वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी इवन हीट कैपेसिटी ओके हीट कैपेसिटी भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ठीक है तो यहां पे हम लोग ऐड कर, 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 कर सकते हैं हीट कैपेसिटी और सटेंसिव प्रॉपर्टी ठीक है मास मैटर के अमाउंट पर डिपेंड करेगा वॉल्यूम मैटर के अमाउंट पर डिपेंड करेगा इंटरनल एनर्जी जितना मैटर ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा तो मैटर के ऊपर डिपेंड करेगा हीट कपैसिटी ऑल्सो डिपेंड अपॉन दी अमाउंट ऑफ अ मैटर तो दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर मैटर के अमाउंट पे डिपेंड नहीं होगी तो टेम्परेचर रिलेटेड प्रॉपर्टीज जो है बच्चों वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जैसे कि टेम्परेचर रिलेटेड टेम्परेचर सिंपली लिखते

के ऊपर डिपेंड नहीं होगी ओके इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पांच इट ऐसी से एक पर्टिकल टेम्परेचर है हम लोग इनिशियल स्टेट कहेंगे थोड़े देर के बाद समझ लो uh, वो थोड़े टाइम के बाद वो स्टेट थोड़ा सा चेंज हो गया इट गोज इनटू द फाइनल स्टेट जहां पे उसका टेम्परेचर हो गया टी टू प्रेशर वी टू वॉल्यूम एंड एन टू यानी नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज ऑफ यू नो दिस दिसमोडमिक पैरामीटर्स और थर्मोडमिक वेरिएबल्स फ्रॉम टी वन टू टी टू पी वन टू पी टू 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 यानी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में चला गया अब यहां पे बच्चों सिर्फ और सिर्फ ये मैटर करेगा कि इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में गया हुआ है या नहीं कोई भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में चेंज हुई है या नहीं ये देखना है कौन सा पाथ सिलेक्ट किया है टू गो फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल स्टेट ये डिपेंड नहीं करता अंडरस्टूड ये डिपेंड नहीं करता तो ऐसे यू नो प्रॉपर्टीज को हम लोग कहेंगे स्टेट फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड होता है

वर्क किए तो पाथ फंक्शन है ही स्टेट फंक्शन के एग्जाम्पल जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है लाइक एन्थैल्पी एंट्रोपी इंटरनल एनर्जी ये सारे के सारे बच्चों स्टेट फंक्शंस है ठीक है चलो तो स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन को भी शायद से आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ ले प्रॉपर्टीज लेके इंटरनल एनर्जी एंट्रोपी एन्थैल्पी ऑल आर स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन वर्क एंड हीट पाथ फंक्शन है दोस्तों ओके देन प्रोसेस

सिस्टम प्रेशर एंड एक्सटर्नल प्रेशर सो दिस्टम कैन बी रिवर्स दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस ये प्रोसेस और उसके वेरिएबल्स ये वेरिएट जो है वो याद रखना है दोस्तों ओके नेचर ऑफ वर्क एंड ऑल दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट ओवर हियर हाँ यहां पे साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों साइन कन्वेंशन क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है हीट

ठीक है इफ इज नेगेटिव इसका मतलब क्या है दोस्तों तो हीट इज रिलीज बाय द सिस्टम ठीक है हीट क्या हो रहा है रिलीज बाय द सिस्टम दैट इज माइनस क्यू ठीक है नेक्स्ट इज इज वर्क वर्क पॉजिटिव डन ऑन द सिस्टम ठीक वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड डब्ल्यू नेगेटिव वर्क इज डन बाय द सिस्टम ठीक है तो so ये साइन कन्वेंशन क्यू पॉजिटिव है क्यू नेगेटिव है हीट रिलीज की है, Q negative है, heat release की है W पॉजिटिव है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड W नेगेटिव है वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ठीक है तो ये गाइस आपको ध्यान में रखना है ठीक okay. है? पे इक्वेशन दिस इज कॉल्ड पी वर्क प्रेशर वॉल्यूम वर्क प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज एक्चुअली से द वर्क विच इज द फाइनल इक्वेशन वी ने टू रिमेंबर W इज एक्सटर्नल डेल्टा V. दैट इज वी टू माइनस वी वन डेल्टा वी क्या वी टू माइनस वी वन ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जो है बच्चों ये किसके लिए यूज कर लेंगे ये सिर्फ़ सिर्फ़ और यूज़ कर लेंगे एक्सपानशन ऑफ अ गैस किसके लिए यूज होगा gas. अगर gas हो रहा है, figure, जहां पे गैस है कितना वॉल्यूम है ये पर्टिकुलर वॉल्यूम है गैस अभी एक्सपांड हो गया ठीक है एक्सपानशन है सो दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी इज एक्सटर्नल इन डेल्टा वी और वी टू माइनस वी वन एंड अगर कॉम्प्रेशन है ठीक है तो ये डब्ल्यू हो जाएगा पॉजिटिव कंप्रेशन है मतलब क्या गैस अगर यहाँ पे कंप्रेस हुआ ये वॉल्यूम ये है इतना वॉल्यूम और गैस यहाँ पे और कंप्रेस हो रहा है विद द हेल्प ऑफ अ पिस्टन ओनली इसका मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड पॉजिटिव वर्क इज डन ऑन द सिस्टम सो दैट इज कॉम्प्रेस कॉम्प्रेशन ऑफ द वर्क और कॉम्प्रेशन ऑफ द गैस डन तो कॉम्प्रेशन ऑफ द गैस डब्ल्यू पॉजिटिव होगा एक्सपांशन ऑफ अ गैस डब्ल्यू नेगेटिव होगा एंड दिस इज पर्टिकुलर वर्क इज नोन एज अ वी वर्क ठीक है प्रेशर वॉल्यूम वर्क वर्क डन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस ये भी कहेंगे इसको डन नेक्स्ट इज वर्क डन इन आइसोथर्मल हाँ फ्री एक्सपांशन है ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट है वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस भी हमें ले लेना है उसके बाद ओके फ्री एक्सपांशन फ्री एक्सपांशन यानी बच्चों समझ लो कि गैस एक्सपांड हो रहा है मोएबल पिस्टन है सिलेंडर में और उसमें हमने गैस एनक्लोज किया हुआ है एक स्पेसिफिक मोल्स ऑफ द गैस यानी वन मोल ऑफ अ गैस हमने वहां पे एनक्लोज किया है और वहां पे शायद से एक्सपेंशन भी होगा बट आउटसाइड एक्सटर्नल प्रेशर है ही नहीं ठीक है एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है अगर एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है हमारा इक्वेशन तो वही है w -p ext डेल्टा v बट इफ इन वैक्यूम समझ लो वैक्यूम कंडीशन है जहां पे प्रेशर ही नहीं है कोई गैस नहीं तो कोई प्रेशर नहीं तो प्रेशर इक्वल टू जीरो ठीक है प्रेशर क्या है दोस्तों जीरो है ये पी इक्वल टू जीरो ये देख लो पी इक्वल टू जीरो तब दोस्तों क्या होगा ये पी की वैल्यू यहाँ पे डाल दो तो W इज इक्वल दैट इज W इज इक्वल जीरो जीरो है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ फ्री एक्सपांशन इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों

कह सकते हैं हम लोग की गैस वहां पे वर्क करता ही नहीं ना तो गैस वर्क करता है ना तो गैस के ऊपर वर्क 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 होता है इज इज डन डन ऑन द द सिस्टम सिस्टम बाय ये कुछ नहीं होता वहां पे सिर्फ डब्ल्यू इज एक्चुअली कॉल्ड एज फ्री नाउ दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम वर्क एक्सप्रेशन मैक्सिमम वर्क का एक्सप्रेशन ही बच्चों ध्यान में दे रहे हैं नो नीड ऑफ अ डेरिवेशन ओवर दैर सिंपली यू गो फॉर दिस पर्टिकुलर वर्क दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू W is equal to minus to 2.303 nrt log the base 10 of V2, minus V2 upon V1 या yeah, फिर P1 by P2 ठीक है और आप लिख सकते हैं यहाँ पे W is equal to और W मैक्स फाइनल इक्वेशन दोनों फॉर्मूले में साथ में ही लिख रहा हूं यहां पे is equal to minus 2.303 nrt log to the base 10 of वन अपॉन P2 ठीक है लॉक टू दिन ऑफ पी वन अपॉन P2 तो गाइस ये एक फॉर्मुला ध्यान में रखना है आपको ओके दिस इज कॉल्ड एज वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस ठीक है क्या है आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस सो अर्लियर केस में जो वर्क डन था वर्क डन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस ये पर्टिकुलर इक्वेशन एंड वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस दैट इज the टू अरे टू by P2 जीरो लिख रहा हूँ पे मैं ओके okay, V2 बाई वी लिख लेता हूं या yeah, V2 upon V1, यहां पे n क्या रिप्रेजेंट रहा है नंबर ऑफ मोल्स

फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है स्टेटमेंट एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कॉन्स्टेंट ये तीन स्टेटमेंट है ओके एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कॉन्स्टेंट या फिर यू कैन से टोटल एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट यूनिवर्स की एनर्जी कॉन्स्टेंट है या फिर यूनिवर्स में जो आइसोलेटेड सिस्टम है आप मैं ये पेन एवरीथिंग ओके दैट इज कांस्टेंट या फिर एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी क्रिएटेडर्ब एंड दैट इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है दोस्तों उसका डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू डेटा टू क्यू प्लस डब्ल्यू और डेल्टा टू प्लस ये पर्टिकुलर इक्वेशन हमने जो पढ़ी थी ठीक है कौन सी प्रोसेस पढ़ी थी चलो प्रोसेस देख लेते हैं दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस ओके ये सारी प्रोसेस ठीक है तो ये प्रोसेस के लिए जो वेरिएबल कॉन्स्टेंट है ये ध्यान में रखना क्योंकि उसके लिए इक्वेशन चेंज होगा दोस्तों आइसोथर्मल प्रोसेस

आपने इक्वेशन देखा दैट इज डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू ओके क्यू प्लस डब्ल्यू सो देो यहाँ पे क्या है क्यू डेल्टा यू तो जीरो हो ऑलरेडी तो जीरो इज इको टू क्यू प्लस डब्ल्यू सो डेल्टा यू इज इक्वल टू सॉरी क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्लू या फिर यू कैन से डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू ये इक्वेशन किसके लिए है आइसोथर्मल प्रोसेस शायद आपको यहाँ पे ये चारों के चारों इक्वेशन दे देंगे एंड आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि फाइंड आउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस तो आइसोथर्मल प्रोसेस पे क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू या फिर डब्ल्यूज इक्वल टू माइनस क्यू सेम वे एडियाबेटिक प्रोसेस क्यू इक्वल टू जीरो है ठीक है ना क्यू इक्वल टू जीरो है फॉर वॉट एडियाबेटिक प्रोसेस तो अभी बच्चों क्या कर रहा है इक्वल टू जीरो हो गया ठीक है सो हियर क्यू की वैल्यू जीरो डाल दी है, फाइनल इक्वेशन आएगा डब्ल्यू डेल्टा यू इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू डेल्टा यू इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू सिंपल से चीज है आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम जीरो डेल्टा V इक्वल टू जीरो तो गाइज डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पीई एक्सट्रीम टू डेल्टा V.

ठीक है दैट यू कैन राइट ओवर दैट तो ये इक्वेशन आपको सिंपली वहां पे ऐड कर देना है डेल्टा पी जीरो तो क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू ये फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी तो ये वन इक्वेशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्बू एडियाबेटिक प्रोसेस डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा यू इज इक्ल टू क्यू वी एंड आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू पी ठीक है दैट यू हैव टू रिमेंबर

एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी ठीक है यू स्टैंड फॉर इंटरनल एनर्जी पीवी यानी एनर्जी रिलेटेड टू इक्विवेलेंट टू पीवी वर्क राइट ओके दिस इक्वेशन डेल्टा एच इज इक्व टू फाइनल फॉर्मूला है आपको आपको ज्यादा क्योंकि इसके न्यूमेरिकल आपको पूछेंगे तो डेल्टा डेल्टा पी टू डेट इक्वेशन इज इटेंट ओकेशन गैस फेज के लिए देखो बड़ा सा लिखा है मैंने यहाँ पे गैस फेज गैस फेज के लिए डेल्टा एच इज इक्ट डेटा यू प्लस डेल्टा एनजीआर यहाँ पे डेल्टा एच क्या करेगा डेल्टा एच एक्सप्रेस करेगा चेंज इन एंथल एंथलपी करेक्ट डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी

एंड वर्क डन करना है गैस एक्सपांड हो रहा है गैस कंपेस हो रहा है उसके लिए हमने वर्क डन देखा बट केमिकल रिएक्शन है तो वहां पर भी तो एनर्जी एक्सचेंज होगी सिस्टम टू सराउंडिंग सराउंडिंग टू सिस्टम सो इन दैट केस जो फाइनल इक्वेशन है दट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा

से मेल्ट हो जाएगा इन टू द लिक्विड एंथल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या प्रोसेस हो रही है तो वेपराइजेशन में वेपर फॉर्म होगा यानी लिक्विड से गैस में फेज चेंज होगा तब चेंज इन एंथल्पी दी ऑफ वेपराइजेशन व्हाट अबाउट उट एंथलिमेशन सब्लिमेशन प्रोसेस दोस्तों सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट होगा गैस में विदाउट फॉर्मेशन ऑफ अ लिक्विड स्टेट जनरली सॉलिड से गैस स्टेट में एंड देन गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट सॉरी

ज कॉल्ड एंथालपी ऑफ सोल्यूशन अब यहाँ पे एंथल्पी ऑफ सोल्यूशन में थर्मोकेमिकल में थर्मोकेमिस्ट्री में हमें वी हैव टू गो फॉर थर्मोकेमिकल इक्वेशन थर्मोकेमिकल इक्वेशन में क्या करना है दोस्तों सिंपली आपको लिखना है दर फिजिकल स्टेट एंड चेंज इन एंथल और एंथल ऑफ द सोल्यूशन

ट इज द सेम इक्वेशन हाँ एक मिनट हा बोस हा सेम इक्वेशन बट यहां पर डेल्टा एच नॉट लिखना है ओके स्टैंडर्ड एंथल रियक्शन इज डन चलो दट इज ओके ये भी हो गया थर्मोकेमिकल इक्वेशन दैट इज सिंपल

टू ओ टू हो जाएगा शायद से ओके ओके एंड ये रिएक्शन बैलेंस हो गए अब ये कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है यहाँ पे एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म हो गए कुछ ओल्डर बॉन्ड ब्रेक होंगे न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे जब भी वो कोर्स होगा जब भी ये प्रोसेस होगी तब जो बॉन्ड एनर्जी चेंज हो जाएगा बच्चों उसको हम लोग कहेंगे बॉन्ड एंथल्पी दैट वी कॉल्ड एज अ बॉन्ड एंथेल्पी ठीक है तो गाइस यहां पे बॉन्ड एंथेल्पी के लिए सिंपल सी है

डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच नॉट ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड अब देखो एंथल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए क्या फॉर्मूला था जी ये एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस एच ऑफ रिएक्टेंट दिस इज ऑफ रिएक्शन ओके केमिकल रिएक्शन बट बॉन्ड एंथल्पी के लिए इसके अपोजिट फॉर्मूला है दोस्तों दैट इज डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड बॉन्ड एंथल्पी के लिए राइट ओके इसमें कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों हेज हेज लॉ लॉ हीट समेशन रिएक्शन एक स्टेप में हो जाए या फिर नंबर ऑफ स्टेप्स ले ले टोटल चेंज इन एंथैल्पी जो होगी होगी वो सेम दैट इज कॉल्ड अबाउट द हेज लॉ स्टेटमेंट ध्यान में रखना क्योंकि स्टेटमेंट से शायद राइट द आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द हेज लॉ ये भी पूछ लेंगे सो द लॉ स्टेट्स दैट ओवरऑल द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द एंथैल्पी चेंज ऑफ इंडिविजुअल स्टेप इन द रिएक्शन ठीक है

इंपॉर्टेंट या और रिवर्स रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसेस जो कि अपने आप होती है ठीक है खुद ही होती है जैसे कि पानी है तो हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट पे गिरता है ठीक है सो दैट इज अ प्रोसेस सीजन में हम लोग वाटरफॉल देखते हैं तो वाटरफॉल क्या होता है पहाड़ों से नीचे आता है पानी तो हायर पॉइंट से लेके नीचे पॉइंट लोअर पॉइंट पे आता है तो ये अपने आप होती है बट वही चीज अगर बच्चों समझ लो मुझे पानी ओके okay? हमारी uh, say, से से कॉर्पोरेशन हमें पानी आता है और वो हमें घर के ऊपर टैंक है समझ लो और वहां पे या फिर हमारे बिल्डिंग के ऊपर टैंक है और ऊपर हमें पानी को यू नो you know, वहां पे स्टोर करना है टैंक में तो कैसे करेंगे हमें एक मोटर लगानी पड़ेगी शायद से लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट अपोजिट डायरेक्शन में ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी कुछ एक्सटनल फोर्स हमें वहां पे यूज करना पड़ेगा जहां से लोअर पॉइंट से पानी या फिर कोई भी प्रोसेस कोई भी चीज ऊपर ले जाए बट अगर हायर टू लोअर हो तो उसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं तो ऐसी प्रोसेस जो कि अपने आप होती है नेचुरली होती है उसको कोई एक्सटर्नल को फोर्स लगाने की जरूरत होती नहीं ओके okay? कोई एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट नहीं करता वहां पे दैट इज प्रोसेस पर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है वो प्रोसेस रन करने के लिए दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ठीक है अब बच्चों यहां पे एंट्रोपी हमें लर्न करना है एंट्रोपी देखो ये सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड एंड गैस एंट्रोपी यानी क्या मेजरमेंट ऑफ

तो वो उसके एंट्रोपी जीरो होगी दोस्तों बट वही अगर सॉलिड सब्सटेंस से चेंज हो गया गैस में या फिर गैस से लिक्विड uh, से एंड लिक्विड इन टू गैस तो रैंडमनेस बढ़ जाएगा जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये आइस है हर एक मॉलिक्यूल परफेक्टली ऑर्डर्ड मैनर में है हाईली ऑर्डर्ड स्टेट कहेंगे हम लोग इसको बट वही आइस मेल्ट होकर लिक्विड वाटर बन गया तो वहां पर ऑर्डर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया डिसऑर्डर स्टेट इज इंक्रीजेस वहीं उसको थोड़ा सा और हीट मिल गया और वो लिक्विड यू you नो know, वेपर में फॉर्म कर लिया या गैसे स्टेट में उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहेंगे एंट्रोपी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है दोस्तों उसका? है डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई टी ठीक है क्यू रिवर्सिबल डिड बाई दैट इज एंथल ही रिवर्सिबल वे और इन रिवर्सिबल मैनर डिवाइडेड बाई टी दैट इज़ और उसका यूनिट क्या है दोस्तों यूनिट याद रखना दोस्तों एंट्रोपी का ठीक है ओके एंट्रोपी एंड स्पोन्टेटी हाँ सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेटमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ओके दैट इज इट अ सिस्टम एंड सराउंडिंग इंक्रीज इन अटेनियस प्रोसेस

वैल्यू मतलब पॉजिटिव तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस एंड डेल्टा एस टोटल एक्जैक्टली जीरो है डेल्टा मतलब एस तो exactly की वैल्यू एक्टली जीरो है मतलब वो प्रोसेस इक्विलिब्रियम स्टेट में गिव्स एनर्जी गिव्स एनर्जी इज द से यू कैन से जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा

डेल्टा जी क्या होगी नेगेटिव वैल्यू तब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है दोस्तों तब क्या है यानी क्या? That is positive value. तब बच्चों प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस ठीक है ध्यान में रखना ओके okay? ये रिलेशन भी याद रखना है डेल्टा एस पॉजिटिव डेल्टा जी नेगेटिव स्पॉन्टेनियस डेल्टा एस एंट्रोपी नेगेटिव रिलेशनशिप है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फाइनल फॉर्मूला दट इज इंपॉर्टेंट डेल्टा इक्वल टू माइनस टू पॉइंट थ्री जीरोक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एड कॉन्स्टेंट कॉन्सेंट्रेशन

नॉन टे डेल्टा जी की साइन कन्वेंशन क्या है डेल्टा एस का साइन कन्वेंशन क्या होगा डब्ल्यू का साइन कन्वेंशन क्या है क्यू एक्जैक्टली पॉजिटिव नेगेटिव तो क्या है एग्जैक्टली ओके ये सारी चीजें इवन एच एक्र्मिक एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक एंड्रोथर्मिक यू नो क्या है इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव

सॉरी एमसीक्यू पार्ट ओके केमिकल थमो एमसीक्यूज चलो अब बच्चों पहला एमसीक्यू ले लेते हैं दैट इज आइडेंटिफाई द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ओके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से आइडेंटिफाई करना है हमें आइडेंटिफाई द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम ठीक है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी फ्रॉम द फॉलोइंग ना बच्चों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यानी क्या बच्चों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर ठीक है मैटर की क्वांटिटी ऊपर डिपेंड करने वाला ओके दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अब देखो डेंसिटी है ओके देन हीट कैपेसिटी सरफेस टेंशन विस्कोसिटी दिस ऑल आर रिलेटेड विद द से यू कैन से से गैसियस सब्सटेंस एक जो क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करता है दैट इज हीट कैपेसिटी तो गाइज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हीट कैपेसिटी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में ही लेक्चर के स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मीस प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन यू नो इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का पूछा बट शायद आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टी भी पूछ ले इंटेंसिव प्रॉपर्टी टेम्परेचर रिलेटेड प्रॉपर्टीज है टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है दोस्तों ठीक है तो प्लीज उसके ध्यान में रखना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यहाँ पे हीट कैपेसिटी है शायद आपको मास्था दे दे ऑप्शन शायद वॉल्यूम दे दे ऑप्शन शायद इंटरनल एनर्जी ऑप्शन दे दे तो इंटरनल एनर्जी मास वॉल्यूम ऑल आर करेक्ट ऑप्शन एक्चुअली एंड डेंसिटी सरफेस टेंशन विस्कोसिटी आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी इनफैक्ट अलॉन्ग विदर ठीक है डन चलो आगे चले जाते और थर्मोडाइनेमिक स्टेट फंक्शन ओके स्टेट फंक्शन रिलेटेड क्वेश्चन है और थर्मोडानेमिक स्टेट फंक्शन इज अ क्वांटिटी ठीक है स्टेट फंक्शन हाँ स्टेट फंक्शन इज अ क्वांटिटी रीड कर लेते हैं यूज टू डिटरमाइन द हीट एक्सचेंज ओके हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टू डिटरमाइन प्रेशर वॉल्यूम वर्क स्टेट फंक्शन है बच्चों एंड हुज वैल्यू डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ओनली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर अगर हमने स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन देखी होगी बच्चों तो स्टेट फंक्शन क्या है दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम इज ओनली एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ अटेंड टू इट तो यहां पे इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं होने वाला जो प्रॉपर्टी है वो स्टेट फंक्शन करेक्ट ऑप्शन बच्चों बी है यहां है स्टेटमेंट ध्यान में रखना है स्टेट फंक्शन का ठीक है तो आपको अपोजिट वे में भी पूछ ले कि यार स्टेट फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड नहीं होता तो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं होता ठीक है इस वजह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है सी ये ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया था ओके नाउ नेक्स्ट विच इज करेक्ट फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन ओके एंडोथर्मिक रिएक्शन ठीक है एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन में बच्चों आपको ध्यान में रखना है देखो डेल्टा एच इज पॉजिटिव डेल्टा एच इज नेटिव डेल्टा यू इज नेगेटिव डेल्टा एच इज जीरोस एक्सोथर्मिक प्रोसेस में बच्चो एनर्जी चेंज होगी ठीक है एक्जोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ध्यान में आ गया एक्सोथर्मिक प्रोसेस हीट रिलीज इनटू द सराउंडिंग एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा एंडोथर्मिक प्रोसेस जब भी एनर्जी रिलीज होती है डेल्टा एच बच्चों नेगेटिव होता है जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है डेल्टा एच बच्चों क्या होती है पॉजिटिव होता है क्या पूछा है क्वेश्चन विच इज द करेक्ट फॉर एन एंडोथर्मिक प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस है यानी हीट क्या होगा बच्चों एब्सॉर्ब होगा और हीट जब एब्जॉर्ब होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस में तो डेल्टा एच क्या होगा बच्चों पॉजिटिव होगा डेल्टा एच इज पॉजिटिव डेल्टा एच इज नेगेटिव एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच इज पॉजिटिव समझ में आ रहा है प्रोसेस ध्यान में रखना एक्सोथर्मिक प्रोसेस एनर्जी रिलीज एंडोथर्मिक प्रोसेस एनर्जी एब्जॉर्ब एनर्जी एब्जॉर्ब होगा एंथल्पी क्या होगी एड ऑन होगी एंथल्पी एड ऑन होगी यानी डेल्टा एच पॉजिटिव बराबर है एंड जैसे मैंने बोला एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच नेगेटिव है तो फिर यहां पे डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव डन चलो बॉस ये भी तो खत्म हो गया आगे बढ़ लेते हैं डोर इज ओपन देन वी गेट ओके ये थोड़ा सा यू नो सोचने वाला क्वेश्चन है अगर हमारे फ्रिज का रेफ्रिजरेटर का डोर हमने ओपन रख दिया तो क्या हो सकता है बॉस ठीक है फर्स्ट रूम हीट हो सकता है ऐसा पॉसिबल है ओके रूम कूल होगा ये भी है तो एसी की शायद से जरूरत ना पड़े हम लोग मोर अमाउंट ऑफ हीट इज पास आउट हीट पास आउट हो जाएगी नो इफेक्ट ऑन रूम रूम में कोई इफेक्ट ही नहीं होगा बॉस ठीक है यहां पे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी से रिलेट ये क्वेश्चन करता है

वो हीट कंटेंट हीट कंटेंट एक्चुअली सॉरी हीट कंटेंट निकाल नहीं लेगा ऑन कर लेगा ओके फ्रॉम क्योंकि वो वो जो 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 प्रोसेसिंग है है पूरी मशीनरीज हीट वहां रिलीज करता है एंड सारा वो जो पूरा अपना रेफ्रिजरेटर का जो पूरा कंपार्टमेंट है उसको कूल कर लेता वो ठीक है तो यहाँ पे अगर रूम में हम लोग उसका डोर भी ओपन कर ले तो भी क्या हो जाएगा बच्चों तो भी वहां पे हीट एड ऑन ही होगी ठीक है तो यहाँ पे रूम एक्चुअल में हीट हो जाएगा ठीक है रूम एक्चुअल में हीट हो जाएगा बच्चों ये इंटरेस्टिंग बात है ये क्वेश्चन मैंने लिया था कॉलेज में क्वेश्चन okay, uh, uh, आ गया था अगर हम लोग ए ना यूज कर ले और रेफ्रिजरेटर uh, का डोर ही हम लोग ओपन uh, कर ले और वही रूम uh, आपका कूल cool होगा या फिर रूम हीट हॉट हो जाएगा या फिर यू uh, नो you know, uh, uh, ये चेंज नहीं होगा सो बट ऑबियस उसकी मुझे थोड़ी बहुत पता थी तो फिर मैंने बोला था कि वहां पे वो हम लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि रूम ऑलरेडी टेम्परेचर वहां पे बढ़ जाएगा ठीक है तो ये क्वेश्चन मुझे भी पूछा था मुझे वो एक सडनली ये क्वेश्चन देखने से वो याद आ गया वो सारी चीजें जो मैं इंटरव्यू फेस किया था वहां पे ओके okay, चलो तो रूम हीटेड ठीक है जब भी रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन होगा तो फिर बच्चों हीट यू नो सिस्टम टू सराउंडिंग में जाएगी क्या होगी सी हीट इज रिलीज फ्रॉम सिस्टम इन टू दराउंडिंग सराउंडिंग जो है हमारा रूम होगा एंड वहां पे टेम्परेचर बच्चों बढ़ जाएगा याद रखना दोस्तों ओके अदरवाइज अगर रूम कूल cool हो जाता तो हम लोग यू you नो know, छोटा सा रेफ्रिजरेटर रख देते पंद्रह हजार वाला चालीस हजार का एसी सी पचास हजार का एसी नहीं यूज करते है ना ओके चलो आगे बढ़ते ओके सो okay, so, ये तो हो गया ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलो इन विच प्रोसेस नेटवर्क इज जीरो वर्क है वर्क जीरो होना होगा वर्क जीरो कब होता है दोस्तों एक तो डब्यू डब्ल्यू एक तो होगा बच्चों पॉजिटिव डब्ल्यू एक तो होगा नेगेटिव फिर डेफिनेटली डब्ल्यू जीरो होगा जीरो कब होगा जब एक्सटर्नल प्रेशर कुछ भी नहीं होगा तब जीरो प्रोसेस आइसोबारिक प्रोसेस प्रोसेस फ्री एक्सपांशन फ्री एक्सपांशन हमने पढ़ा भी है एक्सपांशन का फ्री एक्सपांशन W एक्सैक्टली इक्वल टू जीरो तो बिल्कुल भी नहीं है राइट ना एक्सटर्नल प्रेशर कुछ भी नहीं गैस एक्सपांड भी हुआ तो वो एनर्जी रू लूज नहीं करेगा

ओके इफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एक्सपांड्स देन इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीज एंड देन डिक्रीजेस इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी और फॉर वेयर डिक्रीज होगी क्या हो रहा है एक्सपांड हो रहा है राइट ओके नेक्स्ट क्या है दैट इज एक मिनट इसको ऊपर ले लेते हैं डी भी है, है इधर या इस तरह से ओके नाउ द नेक्स्ट इज इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस सी ऑप्शन इंटरनल एनर्जी रिमेंस द सेम एंड ऑप्शन इंटरल एनर्जी डिक्रीजेस देखो एग्जैक्टली exactly क्या हो रहा है यहाँ पे कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है बच्चो ठीक है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है मतलब देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हिट एनर्जी फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग सराउंडिंग टू सिस्टम राइट एंड द प्रेशर प्रेशर भी कांस्टेंट है टेम्परेचर भी कांस्टेंट है एंड गैस बच्चों हो रहा है एक्सपांशन ठीक है एट कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस है समझ लो एंड प्रेशर भी कांस्टेंट है एंड देन यू नो गैस एक्सपांड हो रहा है तो ओवरऑल इंटरनल एनर्जी रिमेन्न सेम क्योंकि इंटरनल एनर्जी कब चेंज होगी जब कोई भी सिस्टम यू नो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा हीट एब्जॉर्ब कर लेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा हीट अगर रिलीज करेगा तो टेपरेचर डाउनफॉल हो जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी टेम्परेचर डिक्रीज हो गया तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी बट यहाँ पे कॉन्टेंट टेम्परेचर है कांस्टेंट चर है नो एक्स चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट मतलब टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस सेम ही रहेगा वेदर इट इज एक्सपांशन और यू नो से कॉम्बेशन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन द सेम ठीक है यहां पे इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं होने वाला ओके okay? चलो नेक्स्ट

Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा तो वो तो नहीं है इनकरेक्ट है फॉर एन आइसोपोरिक प्रोसेस Q इक्वल टू माइनस क्यू

जी नेक्स्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अ सिस्टम रिलीज 15 किलो जूल ऑफ एनर्जी एज हीट एंड 10 किलो जूल ऑफ वर्क ऑन सराउंडिंग व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिंपली सेम डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू अब देखो क्वेश्चन पढ़ता है सिस्टम रिलीज रिलीज की एनर्जी एनर्जी है और okay? so रिलीज किया है एंड मतलब डेन किलो जूल ऑफ वर्क ऑन द सराउंडिंग टेन किलो जूल ऑफ वर्क सराउंडिंग के ऊपर किया है बच्चों ठीक है टेन किलो जूल ऑफ वर्क डज ऑन दराउंडिंग तो फिर यहां पे माइनस फिफ्टीन एंड टेन Okay, so here the uh okay minus 10 minus 10 minus 10 minus 25 kilojoule delta u 25 system release energy and the and

ठीक है, है, पे increase हो रही है. Delta T equal to zero. अब देखो बच्चों, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम सराउंडिंग सिस्टम एंड सराउंडिंग ये दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो ही नहीं रही ओके okay? मतलब ना तो सिस्टम एनर्जी रिलीज कर रहा है ना सराउंडिंग एक्सेप्ट कर रहा है

पे N. N कितना है दोस्तों टेम्परेचर थ्री हंड्रेड के देखो यहाँ पे थ्री हंड्रेड कैलविन टेम्परेचर थ्री हंड्रेड कैलविन इन टू

ठीक है कितनी वैल्यू आ जाएगी लेट सी क्या है वैल्यू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री इंटू टू इंटू एट पॉइंट थ्री वन फोर थ्री हंड्रेड फोर डबल एट इज इन जूल तो इलेवन फोर डबल एट इन किलोजूल इट इज इलेवन पॉइंट फोर एट एट किलोजूल ये आ जाएगा वैल्यू डब्ल्यू का दैट इज इट माइनस राइट क्या कहा है सिबली है ओके आइसोथर्मली एंड इन रिवर्सिबल अगर होता ठीक है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ओनली तो फिर डब्ल्यू इज इक्वल टू मैं ये फॉर्मुला यूज कर लिया था पी वी वर्क वाला माइनस पीई एक्स पी इन टू डेल्टा वी ये वाला फॉर्मूला यूज करता अंडरस्टूड ओके okay? चलो तो ये क्लियर हो गया अब यहाँ पे uh, तो बढ़ लेते हैंक्शन डिपेंड्स अपॉन हीट ऑफ रिएक्शन हा हेज लॉ है हीट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन हीशन डिपेंड्स अपॉन वन इज इनिशियल कंडीशन ऑफ रिएक्शन इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन ऑफ द रिएक्टन इंटरमीडिएट पार्ट ऑफ द रिएशन एंड एंड कंडीशन ऑफ द रिएक्टन ठीक है अकॉर्डिंग टू हेज लॉ दीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन देखो अगर रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए या नंबर ऑफ स्टेप में कंप्लीट हो जाए द एंथल रिमेन्स सेम सो हि इनशियल एंड फाइनल कंडीशन ऑफ द रिएक्टन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट्स वॉय अकॉर्डिंग टू हेज लॉ दीट ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन ऑफ द रिएक्शन में ठीक है

डेल्टा इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव है यानी मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस ये इंक्रीज हो रहा है ठीक है अब तो रैंडमनेस ही आपको एक यू नो वहां पे देख लेना है कि एग्जैक्टली हो रहा है या नहीं हो रहा दैट यू नीड टू सी ओनली ओके एक मिनट इसको नीचे ले लेते हैं और थोड़ा सा ठीक तो uh, है फॉर द फॉलोइंग द एंट्रोपी इज लेस देन देन जीरो है ठीक है तो एंट्रोपी की वैल्यू नेगेटिव चाहिए

फॉर्मेशन ऑफ वाटर ठीक है वाटर फॉर्म हो रहा है वाटर फॉर्म हो रहा है तो बच्चों देखो, क्या ऐसे रिएक्शन होगा एच टू इन स्टेट प्लस टेम्परेचर पे स्टेट क्या आता है लिक्विड स्टेट रिएक्शन को बैलेंस करना है हमें तो फिर हम लोग क्या कर लेंगे और और या और ये 2H2O कर लेते हैं. ठीक है अब देखो बच्चों, गैस स्टेट है

तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज डेल्टा एच ऑफ एच सिंगल बॉन्ड एच प्लस डेल्टा एच ऑफ सी एल सी एल ये हो गया माइनस एच सी एल एच सी एल बॉन्ड है तो कितना है ये टू इंटू डेल्टा एच ऑफ एच माइनस सी एल ये आ गया दोस्तों डेल्टा एच की वैल्यू तो ऑलरेडी दी है माइनस नाइनटी ये आ जाएगा इधर माइनस नाइनटी आपको ये माइनस नाइनटी इंटू ये वैल्यू कितनी है एच एच की वैल्यू एच एच बॉन्ड एंथेल पी फोर थर्टी प्लस सी एल बॉन्ड एंथल कितनी दी है सी एल सी एल बॉन्ड एंथल टू फोर्टी टू फोर जीरो माइनस टू इन टू डेल्टा एच एच सी एल ओके फोर थर्टी एंड ये कितना हो जाएगा दिस इज माइनस नाइनटी एंड देन फोर थर्टी एंड थर्टी सेवेंटी सिक्स सेवेंटी राइट जीरो फोर थ्री सेवन हाँ सिक्स सेवेंटी सिक्स सेवेंटी माइनस टू इन डेल्टा एच ऑफ एच सी एल ओके चलो ये भी हो गया अब ये माइनस टू ये इस तरफ ले लेते हैं एंड सिक्स सेवेंटी में से नाइनटी को ऐड कर लेंगे माइनस नाइनटी इधर आ जाएगा तो मैं थोड़ा सा यहां पे ले, ले लेता हूँ बच्चों थोड़ा स्पेस नहीं है मेरे पास ओके okay, तो फिर ये हो जाएगा दैट इज

ठीक है 760 डिवाइडेड बाय टू 760 डिवाइडेड बाय टू यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है 380 है ना वही आ जाएगा ना 380 380 किलो जूल पर मोल देखो ये ऑप्शन 380 किलो जूल पर मोल समझ में आ गया इस तरह से इसको सॉल्व करना है आप आप चाहिए तो स्पीनशॉट इसका ले सकते हो तो रिलेटेड इक्वेशन और उसके प्रॉब्लम रिलेटेड भी हमने एमसी क्यूज लिया पी वाइज क्यूज लिया तो गाइज यहाँ पे मैक्सिमम टाइप मैंने ट्राई की है कि कवर की है ठीक है तो गाइज आप पढ़ते रहिएगा ये सारी चीजें प्रैक्टिस करते रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के साथ मिलता है तब तक बाय